स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कांग्रेसी नेता राम नरेश त्रिपाठी के निधन पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र के जरिए पीड़ित परिवार को शोक व्यक्त किया, जिसके मद्देनजर बुधवार को कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राम नरेश त्रिपाठी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को शोक पत्र सौंपकर शोक संवेदना व्यक्त किया एवं परिवार को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है एवं हमेशा खड़ी रहेगी। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह, पूनम मिश्रा, प्रणव उपाध्याय, अनुराग पांडे, सुधीर सिंह, प्रभात चतुर्वेदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आप पकड़ लिए क्या? अभी पकड़ लिए, ऊपर से ऊपर आप पकड़ लिए, ऊपर से उनका परिवार पूरा मोहल्ला में रहा, खाली वो दिनाई लगे सभी लोग आए थे। दिल्ली वाली आएगी 22 तारीख आशुतोष तिवारी, महानगर अध्यक्ष, गोरखपुर कांग्रेस कमेटी। यह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हम सभी गोरखपुर कांग्रेस जन के एक अभिभावक के तौर पर थे, आदरणीय राम नरेश त्रिपाठी जी। उनकी मृत्यु दिनांक 14 अगस्त को हो गई थी। इसकी सूचना पाकर हम लोगों की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इनके परिवार से अपनी संवेदना को जोड़ते हुए एक संवेदना पत्र इनको दिया था। उनका संदेश लेकर हम महानगर अध्यक्ष के उससे आए हैं और इनके परिवार में, इनके परिवार को शोक से हम अपने को जोड़ते हुए पूरा कांग्रेस जन हम लोग माननीय आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर वह शोक पत्र लेकर के और संवेदना पत्र लेकर के यहाँ इनके परिवार के पास, उनके लड़के आदित्य मणि जी के पास आकर के, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, इन लोगों से मिल करके और इनके दुख में सम्मिलित हुए हैं।